हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज, नेम द जीनस ऑफ बैक्यूलोवायरस दैट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पैथोजन। जस्टिफाई बाय गिविंग थ्री रीजंस दैट मेक इट एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द जॉब। सो क्वेश्चन में बोला है ऐसे बैक्यूलोवायरस के ऐसे जेनस का नाम बताना है जो कि हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह एक्ट करता है। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। सो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस को हम जनरली कॉमनली एनपीवी भी बोलते हैं। सो ये ऐसे वायरस की कैटेगरी होती है, जनरली ये हमारा जेनस ऑफ बैक्यूलोवायरस में आता है एंड इसको हम एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह भी देखते हैं। सो ये क्या करता है, ये वाइडली यूज होता है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, पर्टिकुलरली अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन पेस्ट्स। सो जो कैटरपिलर्स होते हैं हमारे मेनली, ये उनके अगेंस्ट काफी यूज होता है इन एग्रीकल्चर। सो कैटरपिलर्स और कैटरपिलर्स को हम बोलते हैं लेपिडोप्टेरन पेस्ट। ये इफेक्टिव होता है बिकॉज ये हाईली स्पेसिफिक होता है, बिकॉज ये सिर्फ एक पेस्ट को लेके हाईली स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ कैटरपिलर्स को ही इन्फेक्ट करेगा, उनको ही डैमेज करेगा। सो देयरफॉर ये बहुत स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव होता है एंड ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए सेफ होता है। सो अगर लेट्स से कोई एक एनवायरमेंट में हमें एक लेट्स से पेस्ट कंट्रोल करना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटरपिलर की स्पीशीज जो है वो हो रही हैं एंड हमें अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उस टाइम पर ये जो नॉन टारगेट हमारी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये सेफ रहेगा, विच इज हमारी क्रॉप। सो फर्दर देख लेते हैं कि अब इसमें देखा जाता है कि जो तीन रीजंस हैं कि इनको क्यों यूज कर रहे हैं हम एज बायोलॉजिकल एजेंट। तो सबसे मेन रीजन जो है इसका वो है हमारी होस्ट स्पेसिफिसिटी। सो अभी हमने बात की कि होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या होती है, कि ये जो हमारा एनपीवी होता है ये हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर कैटरपिलर्स और लेपिडोप्टेरन पेस्ट। सो ये हाईली स्पेसिफिक होता है एंड जो हमारी नॉन टारगेट स्पीशीज है लेट से क्रॉप, सो लेट से इनका हम क्रॉप को ले लेते हैं नॉन टारगेट स्पीशीज, तो ये जो होती है हमारी, ये हमारी सेफ रहती है, इनको ये कोई हार्म नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं परसिस्टेंस इन द एनवायरमेंट। सो परसिस्टेंस इन द एनवायरमेंट, सो इसमें क्या बोला है, इसमें है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टेबल होता है। सो इट हैज अ स्टेबल पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर एंड ये स्टेबल स्ट्रक्चर क्या करता है, ये इनको अलाउ करता है टू परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। सो इस स्ट्रक्चर की वजह से ये एक्सटेंडेड पीरियड्स तक इस मतलब नॉर्मल एनवायरमेंट में रह पाते हैं एंड दे कैन रिमेन इफेक्टिव ओवर मल्टीपल पेस्ट जनरेशन। सो एक बार पेस्ट करने की जनरेशन जरूरत होती है एंड ये मल्टीपल पेस्ट जनरेशन्स तक जो है ये वायबल रहते हैं। थर्ड रीजन देख लेते हैं, थर्ड रीजन है हमारा विच इज इनकी सेफ्टी एंड इको फ्रेंडलीनेस। सो ये जो पेस्ट होती, ये जो हमारा वायरस होता है ये बहुत इको फ्रेंडली होता है। सो वो तो हमने अभी देखा दैट ये सिर्फ हाईली स्पेसिफिक होता है एंड उसको ही डैमेज करता है। अनदर थिंग इज कि ये जो होता है ये नेचुरली अकरिंग पैथोजेंस होते हैं। सो बिकॉज ये नेचुरली अकरिंग पैथोजेंस होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये कोई केमिकल्स वगैरह जनरेट नहीं करते हैं जैसे नॉर्मली हमारे अदर पेस्ट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत हार्म करते हैं, एलर्जेंस जनरेट करते हैं। सो ये कोई केमिकल जनरेट नहीं करते हैं। सो नो केमिकल और टॉक्सिक रेजिड्यूज आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। सो देयरफॉर जो हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज के तीन रीजंस दिए गए हैं। एक रीजन हो गया हमारा इको फ्रेंडली, एक हो गया होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड परसिस्टेंट। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।